आज हम जा रहे हैं नेहा की शादी में। हाँ मामी, हाँ तो हम पूछ गए आप, हम पहले खानू बात वो बात ओला किला कार्रवाई ना दीदी, पहले पेट पूजा। आप ही के हाथों का सट्रस युक्त भोजन करते हैं अभी। तो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं खाने का इंतजार, हम खाएंगे चूल्हे में खाना, वैसा खाना चुपका वाला, चुपका वाला बिल्कुल पंडितों के हाथ का बनाया हुआ शुद्ध। वैसे में बैठना के एक अलग है। हाँ दीदी क्या कह रहे हो? अभी वही चला आ गया पीछे वाला। हाँ लोग पहले की तरह अब अपनाने लगे हैं ना, अच्छा लगता है वो खड़े खड़े खाने से, तो बैठ के खाना अगर कहीं ऐसा मौका मिले तो ऐसा ही करना चाहिए। सब बैठ के आप जाएंगे, कोई बात नहीं, बढ़िया है। हाँ ये यही हुआ हमारा रीति रिवाज ना। अब पहाड़ी खानमान भी, मैं बड़ी बेगुर जी हूँ, पहाड़ी खानमान और पहाड़ी संस्कृति भी, और ताजा बना हुआ ना, ताजा बना हुआ। कारीगरों ने तो 3 बजे से कर दिया होगा शुरू, तो वो वाले थे बाजी खिलाने वाले। पहाड़ी लॉरी में जब हम खाना खाते हैं तो साथ बैठते हैं और सब लोग साथ उठते हैं, तब जो लास्ट तक खाना खाने रहते हैं उसके बाद सभी लोग साथ उठते हैं। ये हमारी कल्चर, ये हमारी संस्कृति है। ये मिली हमारी देवरानी से, किसने आए, अच्छे लग रहे हो। ये है मंडप जो अभी यहाँ पे दुल्हन को होगा, लगन होगा इसलिए सजाया गया है। ये 2 चौकियाँ हैं और उसके पीछे एक थाली एक लोटा। इसमें एक तरफ पंडित जी खड़े होंगे और दूसरी तरफ दूल्हा खड़ा होगा। हमारे संस्कृति में सल्लो और पहिया रखन बहुत ज़रूरी हो जा, यानी चीड़ और भोज का सब्स्टिट्यूट होता है पहिया, तो वो रखा है आगे। दुल्हन की मम्मी सबका ध्यान दे रही हैं, जो साथ में कन्यादान करने वाले हैं उनसे बोल रहे हैं कुछ खा लो, और ये आ गई दुल्हन की बहन कलश लेकर। दुल्हन की बहनें इंतजार में होंगी कि दूल्हे के जूते चुराए जाए। अगर आप झुमके बनाने की सोच रहे हैं 91,000 रुपये तोला पहुंचा है, तो सस्ता है। ये भी एक लेटेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, सुंदर लग रहा है। मैं आइसक्रीम लाती हूँ तुम्हारे लिए, आइसक्रीम इनको दे दो, बिना अंडे की आइसक्रीम बनती ही नहीं है, एग वाइट होता है, आप मानो। हाँ अंडा होता है आइसक्रीम में। तो आइसक्रीम में क्या होता है आज इसका पता चल गया, क्या होता है? एग होता है एग। करना है कन्यादान तो इन्होंने भी खाना नहीं खा रखा है। अभी क्या खाया आपने? दही खा के आए। देखिए बहुत कठिन तपस्या होती है ना कन्यादान। दीदी बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। ये देखिए मैं भी आ गई हूँ अब, जयमाल ही देखी हमने, बाकी तो हम देख नहीं पाए क्योंकि बहुत समय लगने वाला है। घर यहाँ पर पहुँच के मामी की दुकान में पहुँच के हम दोनों ने फोटो भी खींची, मामी ने मेरी फोटो खींची, मैंने मामी की, मामी ने नहीं खींची थी ना मामी फोटो, तो अच्छा लगा। अभी केवल हम जयमाला ही देखकर आए, अब लगन वगैरह होगा, वो देर भी हो गई थी काफ़ी, तो हम वो नहीं देखे, हम देख लेंगे वो दूसरों के ब्लॉग में। तो अब करते हैं हम अपना गोट पाथ, अब आते हैं हम अपनी रियल ड्रेस में ना मामी, साड़ी जम्पान खोल के, तो चलते हैं घर की तरफ। मामी कह रहे हैं दूसरी एक बार मेरा पल्लू समेटते हुए फोटो खींचते हैं, खींचते हैं।